अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं जिस तरह से आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में, कारीगर्स की नई सीरीज़ शुरू की है। कारीगर्स क्या है एक्चुअली, आप लोगों को बताना पहले ज़रूरी है। लोगोटाइजर्स मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और कुछ साल पहले मैंने कारीगर्स के नाम से एक कार कम्यूनिटी क्रिएट की है। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, जिसमें हम गाड़ियों के शौकीन हजरात, कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ आगे उनके दोस्त हैं, करते करते ग्रो अप हो रहा है ग्रुप माशाल्लाह। तो उसमें कार सेल्स परचेज और बाकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंफॉर्मेशन वगैरह हम शेयर करते हैं। दोस्त यार हैं सारे, तो एक ही जगह पे एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है मैंने। दो डिसीजन थे मेरे पास कि एक तो मैं कारीगर्स के नाम से अलग यूट्यूब चैनल बनाऊँ, जो कि मुझे इतना फिजिबल आइडिया नहीं लग रहा था, और दूसरा तरीका यह था कि लोगोटाइजर जो मेरा चैनल है, जो कि बेसिकली एक ऐड एजेंसी थी और उस पर मैं आइडेंटिटी क्रिएट करता हूँ। लोगोटाइजर्स का नाम भी मैंने इसी तरह रखा कि लोगो मींस आइडेंटिटी, लोगो इज़ द आइडेंटिटी ऑफ एनी बिजनेस, एंड टाइजर्स मैंने एडवर्टाइजर्स का दिया। और उसमें जो है मुख्तलिफ सीरीज़ हैं, जिस तरह से मैं मुख्तलिफ चीज़ें उसमें डालता हूँ। आप चैनल फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ है। अब कारीगर्स के नाम से ये जो वीडियोस बनाने का मकसद है वो यही है कि मेरी जो फॉलोइंग है, जो लोगों की जो थोड़ी सी है, अभी तो नया सेटअप है, इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है ज़्यादा मेरे, लेकिन जितने भी हैं वो गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन भी या गाड़ियों की वीडियोज़ भी इंजॉय कर सकें इसी प्लेटफॉर्म पर। सो इस आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ कि कारीगर्स क्या है, जो बता दिया आपको मैंने, और अभी अपनी गाड़ी के कुछ शॉट्स, कुछ सिनेमेटिक्स लिए हैं, आप वो एंजॉय कीजिएगा। मेरे पास मेरी डेली ड्रिवन जो छोटी गाड़ी है वो ये ऑल्टो है, VXL 2020 मॉडल मैंने आपको बताया था, तो उसके कुछ सिनेमेटिक्स एंजॉय करें एंड जस्ट गेट यूज टू दिस चैनल। सिनेमेटिक्स आपने एंजॉय कर लिए हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इस कदर सिंपल और स्टॉक क्यों है। मैंने ये गाड़ी साल पहले ली थी, यूज में ली थी, और थोड़ा बहुत जो इस पर काम हुआ है वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। टेंटेड थे शीशे, एयर प्रेस लगे हुए थे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। उसके बाद ये हुआ कि मैंने इसमें मैं डेली ड्रिवन गाड़ी है, फैमिली भी साथ, तो मैं इसको ज़्यादा यंगस्टर्स की तरह मॉडिफाई नहीं करना चाह रहा था। मेरा सिर्फ ये था कि मैं इसमें एक रिम अच्छा सा लगवा लूं और इसी प्रोफाइल के टायर्स अच्छे लगवा लूं, क्योंकि यूरोस्टार आते हैं तो वो तो हार्ड हैं, सबको पता है। तो मैंने डलवाए थे इसमें 13 साइज़ के 5.5 JJ, या विड्थ आप कह लें सिंपल वर्ड्स में, उनके साथ वो रिम मैंने इन्हीं यूरोस्टार ओरिजिनल जो टायर आता है उसके साथ लगवाए थे। हफ्ते दो हफ्ते बाद मैंने टायर चेंज कर लेने थे। प्रॉब्लम मुझे ये आई, जिस पे मुझे थोड़ा सा फीडबैक भी चाहिए होगा आप लोगों का, कि उस रिम को लगाने के बाद जो फर्श है पाँव में, मुझे वाइब्रेशन फील होने लग गई और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही थी रिम्स की। तो मुझे इस सिलसिले में ये मैंने फिर किया, मैंने वो रिम्स उतार दिए, वो रिम मैंने वापस कर दिए, और गाड़ी दोबारा मैं व्हील कप्स पे नॉर्मल स्टॉक रिम्स पे ले आया। तो मुझे जितनी मैंने सोच विचार की इस बारे में, मुझे एक चीज़ ये समझ आई कि क्योंकि टायर स्टॉक थे बिल्कुल और उनको स्ट्रेच होके पूरा आना पड़ा था रिम पे, तो उसमें प्रॉब्लम्स टायर को भी थे, टायर भी डिशेप हो जाना था,
और साउंड की वजह जो है रिम्स में जो आ रही थी, व्हाट आई थिंक इज कि ओरिजिनल जो ऑल्टो में रिम साइज आता है वो 4.5 इंच विड्थ होती है इसकी, 4 या 4.5 इंच, आई एम नॉट श्योर, तो वो 5.5 से 1 इंच या 1.5 इंच का फर्क था। तो व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर इज कि मुझे 4.5 जो ओरिजिनल विड्थ है इसकी, जे जे है ओरिजिनल रिम का, उसी जे जे में अगर कोई मुझे मिल जाए अच्छा रिम यूज में, नया वट एवर, नया ही लूँगा, कोशिश करूँगा, उसमें आई थिंक ये इशू नहीं आएगा। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? ओरिजिनल टायर, ये स्टॉक टायर अभी मेरे ठीक हैं, गाड़ी मेरी 20,000 की नहीं चली अभी, अगर इन्हीं टायर्स पर मैं वो रिम लगाता हूँ, क्योंकि कहते हैं, मैंने सुजुकी के डीलर को गाड़ी डिलीवर करते हुए ये सुना है, सुजुकी सेंट्रल मोटर्स वहाँ रावलपिंडी, कि सॉफ्ट टायर्स लगाने से जो आप आफ्टर मार्केट लगाते हैं आप लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन उससे जो है सस्पेंशन पे फ़र्क पड़ता है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हार्ड टायर्स ही रखेंगे ओरिजिनल जो हैं। तो अगर मैं उसकी बात मान लेता हूँ और मैं रख लेता हूँ इसी टायर्स को कीप करते हुए, इफ़ आई चेंज द रिम्स, तो क्या वो मसला सॉल्व होने के चांसेस हैं या नहीं? हाउ मच डू यू थिंक द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व? ये है पहला इशू। काइंडली अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।